हाय गाइज, आज के एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई करने वाला है 1v3 अगेंस्ट गर्ल्स। तो काफी मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं खेल रहा था हमेशा की तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड, और मेरी लोब में आता है अनु ओपी, क्वीन ओपी और साथ ही साथ ये डीजे। अब मैं ये अपलोड नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जैसे इन लोगों को मार दिया ना, तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा और कुछ गजब तरीके से रिएक्शन भी दे दिया। तो मैंने बोला चलो अपलोड कर देता हूं, और मैंने इस बंदे से पूछा भी कि मैं अपलोड कर सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन इस बंदों ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, हमेशा की तरह स्टेडियम जाता हूँ, और इन लोग का मुझे पता नहीं कि ये लोग कहाँ उतर जाते हैं, लेकिन मैं तो नॉर्मल खेल रहा था, मुझे किसी का क्या पता कि कौन सा बंदा कहाँ पे उतर रहा है। तो मैं जैसे स्टेडियम में आता हूँ तो यहाँ पर कोई नहीं उतरता, तो जल्दी जल्दी लूट करते हैं और फिर निकलते इस बंदों को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग को रिएक्शन दिखाऊंगा कि जब मैंने इन लोग को मार दिया तो इन लोग का रिएक्शन क्या था। सबसे पहले आप लोग रिएक्शन चेक करो, उसके बाद जाते इन लोग को निपटाते हैं। पूरा गेम देख के आया डीजे, क्या मारा है हमको। तो बॉस ब्रो, मैं 100% आपको मार सकता था, आपने डैमेज भी देखा होगा मेरा। अरे अन्नू नूबड़ी चुप रहते की वजह से मैं मरा हूँ, मूड ना खराब। मैं क्या बोल रहा हूँ अन्नू, ये नूबड़ी है, ये नूबड़ी है। अब इन लोगों का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, और इन लोगों से मेरी काफी लंबी बात हो गई, तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि कौन सा बंदा किस किस गलती से मर गया। एक बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पे पीछे से बंदा है, इस वजह से मैं मर गया, और एक बंदा बोल रहा है कि मैं अन्नू को रिवाइव देने के लिए आ रहा था, इस वजह से मैं मर गया। लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट था ना, वो था अन्नू, और जैसे मैंने लड़की को नॉक किया, और आप लोग को पता है लड़की को जब आप नॉक करोगे तो सबके सब एक ही चक्कर में होता है कि लड़की को रिवाइव दे दो, कुछ भी हो जाए हम मर जाए, लेकिन लड़की बचना चाहिए, और यही रीजन इन लोग को मरवा देती है। और मैंने आप लोग को बोला भी है कि लड़की का चक्कर और बोर्ड का चक्कर बाबू भैया बहुत बेकार होता है। अभी अगर मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ तो ताड़ेल पे कोई नहीं होता, तो सीधा मैं ओडवेशन के साइड जाता हूँ, और जैसे मैं आता हूँ तो सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं सीधा गाड़ी से कूद जाता हूँ, और यही होती है मेरी सबसे बड़ी गलती। अब यहाँ पर गलती तो मैंने कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके संभाल लिया। और इस बंदे का नाम नोट करो, अनु ओपी, यही थी वो लड़की जिसकी वजह से तीनों बंदे पिट गए, मतलब भाई इस लड़की के चक्कर में तीनों बंदे खत्म। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको नॉक किया तो मैं सीधा इस वाले घर पे आता हूँ और वेट करता हूँ कि कब इसके टीममेट आएंगे, और उसको भी मैं निपटा दूंगा। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि वो लोग ऑडवेशन में होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे मैं देखता हूँ तो वो लोग कॉन्वेंट्री के साइड आ जाते हैं, और अब आ रही है इन बंदों की, तो इनको भी निपटाते हैं। और भाई क्या ही खेल रहे हैं, मतलब जैसे मैं एक बंदे को मार रहा हूँ दूसरा बंदा ऊपर से कवर दे रहा है, तो इसे बोलते हैं टीम वर्क। लेकिन इन लोगों में एक थी लड़की, और जब आपकी स्क्वाड में लड़की खेल रही हो तो आपकी टीम वर्क किसी काम का नहीं। अब इन लोगों ने मुझे पैनिक किया था, अब मेरी बारी है इन लोग को पैनिक करने की, तो निपटाते हैं स्क्वाड को। अब यहाँ पर स्क्वाड के दो बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन वो जो दूसरा बंदा था जिसका नाम था डीजे, उसका किल कोई और चुरा लेता है। अब यहाँ पर तीसरे बंदे को भी मैंने 1 HP किया था, लेकिन ये बंदा हीलिंग लगा लेते, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुमने हीलिंग लगाया तो अब तुम्हें फिर से निपटा देंगे। और भाई इसी के साथ होता है 1v3। अब इन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम खेल तो बहुत अच्छा रहती मेरी जान, लेकिन बंदा गलत चुन लिया, और बाकी 9 अटैक काफ़ी अच्छा खेला, मतलब इस बंदे ने कितना अच्छा खेला, और डीजे भाई ने भी अच्छा खेला, और वो जो पहला था उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन यहाँ पर स्क्वाड को मारने के बाद थोड़ी देर में रुकता हूँ तो दूसरा स्क्वाड आता है, और फिर से तुम्हारा भाई इसी वाले घर में 1v4 करता है, तो इसके लिए तो सब्सक्राइब का बटन ठोकना चाहिए। और भाई जैसे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ तो यहाँ पर 4 बंदे आते हैं, जिसमें से एक बंदे के पास होता है RPG, लेकिन उसको तुम्हारा भाई इजीली नॉक कर देता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे ने मुझे ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया, लेकिन यहाँ पर मेरी किस्मत इतनी बुरी चल रही थी ना कि क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने जैसे किट लगाया तो भाई मतलब किट पूरा हो चुका था, लेकिन तब भी जाके पता नहीं हीलिंग क्यों नहीं लगती, मैं M4 निकालता हूँ तो हीलिंग शायद कैंसिल हो जाती है। और इसी के साथ सामने की तरफ एक बंदा रिवाइव दे रहा था, तो मैंने उसको भी नॉक दे दिया और दोबारा से किट लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो सामने वाला बंदा नेड कर रहा है, अगर वो उसके पास गन होता तो मेरा यहाँ पर करियर खत्म था, लेकिन किस्मत ने बहुत साथ दिया।
और इसी के साथ होता है अगेन 1v4, मतलब कुल मिला के यहाँ पर इस घर में तुम्हारे भाई ने कर दिया 1v6। तो इसके लिए सब्सक्राइब का बटन ढोकना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्लच है वो स्टेडियम के अंदर होने वाला है। अब मैं उतरा था स्टेडियम के अंदर और सामने की तरफ होते चार बंदे। अब जैसे मैं यहाँ उतरा तो इन लोगों ने मुझे डैमेज दे दिया और मैं सीधा भाग के स्विमिंग पूल की तरफ आ जाता हूँ। और इनमें से कई बंदों को मैंने पहले नॉक भी दिया था, लेकिन ये बंदे दोबारा रिवाइव हो जाता है और फिर से तुम्हारे भाई पे रश कर देता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को मैं गलत तरीके से निपटाने वाला हूँ। पर इस टीम के दो बंदों को तो मैं काफी इजी नॉक दे देता हूँ, लेकिन अब बाकी है दो बंदे जिसमें से एक बंदे के पास है शॉटगन। तो क्या लगता है शॉटगन वाले को मैं मार पाऊंगा या नहीं, तो देखो क्या होता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे ने मुझे एक शॉटगन चिपकाया और मैं इतना लो, अगर दूसरा चिपका देता तो मेरा करियर खत्म। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भाई बच के निकल जाता है और अब बारी इस बंदे को मारने की, तो निपटाते इस वाले बंदे को। और इसी के साथ होता है 1v4। अब जो नेक्स्ट क्लच है वो काफी मजे का होने वाला है। अब बगीले के जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो तीन बंदे मेरे पीछे बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह पड़ जाता है और तीनों बंदों के पास होता है शॉटगन। अब यहाँ पर मेरे साथ सीन क्या होता है, जैसे मैं बगीचे कूदता हूँ तभी कूदता ये बंदा और भाई इस बंदे पे शॉटगन होता है, मतलब अगर चिपका देता ना तो मैं सीधा लॉबी में। लेकिन यहाँ पर किस्मत ने थोड़ा साथ दे दिया तो मैं बच जाता हूँ। और अब बारी इन बंदों को निपटाने की, तो देखो कैसे निपटाते हैं। और भाई इसी के साथ होता है 1v3 और ये वाला क्लच मेरा वन ऑफ द फेवरेट था, क्योंकि भाई तीन बंदों को ऑलमोस्ट बहुत गलत तरीके से मार दिया, क्योंकि भाई तीनों बंदों के पास शॉटगन था और भाई एकदम भगा भगा के मार रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने इन लोग को यहाँ पर निपटा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लच है वो स्टेडियम के अंदर होने वाला है। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई ने इस पर के दो बंदों को नॉक दे दिया था और इस बंदों को मैंने पहले भी नॉक दिया था, तो इस वजह से ये थोड़े डैमेज थे। और अब बाकी है बाकी दोनों। और भाई ये लास्ट वाले बंदे को क्या ही रिफ्लेक्स मारा, मतलब एकदम मजे ही आ गया। और इसी के साथ होता है 1v4। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़।